गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली, कैसे हैं आप सब? और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज हमारे यहाँ पे कोहरे की बारिश हुई है। ये देखिए, पूरा लेंटर गीला हो रखा है। ये देखो, है ना, ऐसा हो रहा है जैसे बारिश हुई है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और उठने का मन नहीं कर रहा है। और आज 8 बज चुके हैं, मुझे उठ ही नहीं पाई थी मैं शॉप से। और ये देखो गाइस, हमारे यहाँ का लुक्स। सब लोग उठ गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। अभी चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या बनाया है। रात मैंने पंखा चला दिया था, बच्चों से चलवा दिया था। और ये देखिए, सारे कपड़े मैंने कल जितने भी कपड़े मैंने धुले थे वो सारे ऐसे मैंने फैलाए हुए हैं, क्योंकि सूख ही नहीं पा रहे हैं, धूप ही नहीं निकल रही है। 4 दिन हो चुके हैं, धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। और अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी क्या बनाऊँगी, अभी सोच रही हूँ, अभी कुछ पता नहीं है कि आज क्या बनेगा। और यहाँ पे हस्बैंड जी बैठे हैं इधर, इनका क्लब ख़त्म हो चुका है, अभी कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं और एक कोने में खड़ा है इधर मेरे आगे। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतना गंदा लग रहा है। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं यशबी के स्कूल में और इनके मार्क्स देखने के लिए जा रहे हैं, कितने मार्क्स आए हैं एग्जाम में, और फिर इनकी पिट्टी पिट्टी होगी। तो चलिए चलते हैं स्कूल बच्चों के और देखते हैं इस बार के मार्क्स इनके कितने आए हैं। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार के मार्क्स देखने के लिए, क्योंकि इस बार की जो ट्यूशन है मैंने चेंज कर दिया है। ट्यूशन जो टीचर था वो चेंज कर दिया है, और जो पहले ट्यूशन पढ़ा रहे थे उनसे मैंने नहीं पढ़ाई है, क्योंकि पिछली बार मैंने 2 महीने जिनसे ट्यूशन इनको पढ़ाई थी उन्होंने कुछ भी इन्हें अच्छे से लर्न नहीं करवाया था, कोई प्रिपेयरिंग उन्होंने नहीं करवाई थी। तो इसीलिए इनके पिछली बार के जो नंबर थे वो बहुत ही ज़्यादा कम आए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील हुआ बच्चों के मार्क्स देख के, और कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा नहीं लगा। तो पिछली बार के मार्क्स बहुत कम आए थे, तो जिन्हें देखकर मैम भी बोल रही थी, क्लास टीचर जो है इनकी, कि लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, इस बार के मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, पता नहीं क्या किया है इन्होंने। तो मैंने उनको शिकायत भी की थी कि आपने इनको प्रिपेयरिंग अच्छे से नहीं कराई है, या तो पढ़ाई अच्छे से नहीं करवाई है आपने। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट आपके बच्चे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं दोनों बेटियाँ आपकी, लेकिन पता नहीं इस बार क्या हो गया है इनको। तो मैंने उनको बोला तो चलिए अगली बार हम आपसे ट्यूशन लगवा देते हैं इनकी, और आप अगली बार के जो एग्ज़ाम है उसमें आप इनकी प्रिपेयरिंग करवाइएगा। तो मैम ने बोला ठीक है, ओके, मैं पढ़ाऊँगी ट्यूशन और मैं इनकी प्रिपेयरिंग अगले एग्ज़ाम में करवाऊँगी। तो इसलिए इस बार के एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा किया है बच्चों ने। तो हम आ गए हैं सबसे पहले निमिषा की क्लास में, और ये है निमिषा की क्लास टीचर, इनका नाम है प्रीति गौर, और इन्होंने मेरा वेलकम किया, मैंने इनको नमस्ते किया और फिर ले निमिषा के यहाँ पे जो एग्ज़ाम सीट से थी। और ये देखिए, इसमें इसने काटा पीटी बहुत ज़्यादा की है। वेल, नंबर तो अच्छे आए हैं इस बार के इसके, बट इसने जो राइटिंग है इसकी वो थोड़ी डल है, और जो जगह जगह पे काटा पीटी बहुत ज़्यादा की है। तो मैम इसी बारे में थोड़ी शिकायत कर रही थी। लिखा बहुत अच्छा है, इस बार का एग्ज़ाम पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा था, और आप देख सकते हैं 20 में से 16 और 20 में से 19 नंबर लेकर आई है। और जो भी नंबर कटे हैं वो एक आध क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया था इसका, तो इसीलिए इसके नंबर कटे हैं, और थोड़ी काटा पीटी भी इसने ज़्यादा की है। तो जो राइटिंग थी वो थोड़ी अजीब सी लग रही थी, गंदी गंदी लग रही थी, तो मैंने इसको काफ़ी समझाया कि बेटा इतना ज़्यादा काटा पीटी नहीं करते हैं, अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको हल्का सा आप मार्क कर सकते हो, वरना आप इतनी काटा पीटी मत करो, अच्छा नहीं लगता, ये बहुत गंदा लगता है। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आई है,
है और बस एक सब्जेक्ट में इसके थोड़े कम मार्क्स हैं, 20 में से 40 नंबर लेकर आई है तो उसमें थोड़े कम हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में नंबर बहुत अच्छे लेकर आई है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बट मैम बोल रही थी अभी भी कि इससे और ज़्यादा मेहनत करवानी है इस बार और ज़्यादा इसे लर्न कराने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से नंबर थोड़े कम हैं, तो अगली बार बहुत अच्छे से नंबर लेकर आएगी निमिषा। और निमिषा जो है क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी एक्टिव बेटी है मेरी, और बहुत ही एक्टिव रहती है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी स्कूल में कुछ भी हो तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और फिर आ गए थे हम अब जो कल्पना है मेरी छोटी वाली बेटी उसकी क्लास में, तो ये जो कल्पना की क्लास टीचर हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कल्पना की, तो वो दूसरे जो मैम बैठी हैं सामने उनसे बात कर रही थी क्योंकि उनका बेबी नंबर अच्छे नहीं लाया था। और इधर निमिषा कल्पना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी क्योंकि वो ज़्यादातर सब्जेक्ट में 20 में से 20 नंबर लेकर आई थी और काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं उसके, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और कल्पना तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, एक्साइटमेंट के मारे देखो बहुत आगे आगे दौड़ रही थी वो आगे खुशी से। तो घर से एक प्रॉमिस, जब हम चले थे एग्ज़ाम देखने के लिए, नंबर देखने के लिए, तो मैंने उनको रास्ते में प्रॉमिस कर दिया था कि अगर नंबर तुम लोगों के अच्छे आए इस बार के तो मैं तुमको चॉकलेट भी दिलवाऊंगी। तो अब उनके नंबर तो दोनों के ही अच्छे आए हैं, तो अब कल्पना कह रही थी मुझसे, मम्मा आप चलो चॉकलेट दिलाओगे नहीं दिलाओगे? मैंने कहा बिल्कुल बेटा, ज़रूर दिलाऊंगी और नंबर भी अच्छे आए हैं। क्लास टीचर भी दोनों खुश थी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए बच्चों के जब नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको कुछ सरप्राइज़ भी चाहिए होता है। तो निमिषा जो थी अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम एक्साइटेड थी क्योंकि कल्पना से कम नंबर आए थे निमिषा के, तो 2-4 नंबर ही कम थे, बाकी सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा किया है दोनों ने। लेकिन अगली बार के लिए मैंने उनको समझा दिया है अच्छे से कि अगली बार और इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, बाकी टेंशन कुछ नहीं लेनी है। मैंने आ गई हूँ अब मैं इनको लेके एक बेकरी पे, तो यहाँ पे ये अपनी चॉकलेट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों अपनी पसंद की चॉकलेट लेंगी, मेरी तो कोई बात मानती नहीं है। कोई बात नहीं, तो दिलाना तो बनता ही है ना, बच्चे खुश हैं तो उनकी खुशियों में और 4 चांद तो लगाने ही हैं। वैसे मैं अपने बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट वगैरह नहीं खिलाती हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, जो भी खिलाती हूँ वो घर पर ही बना के खिलाती हूँ। बेटियाँ तो इतनी समझदार हैं, बाहर का कुछ खाती भी नहीं है दोनों। और अभी आ गई हूँ मैं घर पर और दोनों बेटियाँ बैठ गई हैं अंदर घर में जाके, और मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे जाना है अभी, हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके साथ जाना है ऑफिस। तो ये दोनों के मैंने मार्क्स देख लिए हैं, दोनों चॉकलेट खा रही हैं, लड्डू गोपाल जी के साथ में बैठकर उनको भी खिला रही हैं और बाद में खिलाएंगी मुझे भी। और हस्बैंड जी आ गए हैं तो मैं उनके साथ में जा रही हूँ ऑफिस, और ऑफिस में काफ़ी दिन से गई नहीं हूँ, 3-4 दिन हो जाते हैं मुझे तभी मैं ऑफिस जाती हूँ। वैसे तो हस्बैंड के साथ ही ज़्यादा जाती हूँ, अकेले मैं बहुत कम जाती हूँ। और हम आ गए हैं अभी ऑफिस पे, हमारे यहाँ पे सीनियर कोच जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनसे मिल के। मतलब ये जो हमारे कोच हैं इनके पास बैठना उठना बहुत अच्छा लगता है, और कोई भी हमें कहीं गलती हो रही होती है तो ये हमें समझाते हैं, हमें कोच करते हैं क्योंकि ये हमारे फिट कोच हैं और इन्हीं की वजह से हमने अपने ऊपर इतना शानदार परिणाम लिया है। मैंने अपना 10 kg वेट लॉस किया है और मेरे हस्बैंड ने 20 kg वेट लॉस किया है, और वेट लॉस करना बहुत ही आसान है अगर आपके पास जो है सुपर कोच है तो, है ना, कोच की गाइडलाइन में। और अभी इवनिंग का टाइम है और मैं जा रही हूँ तैयार होके अभी शनिदेव के मंदिर दिए जलाने के लिए, क्योंकि मैं कभी कभी मंदिर चली जाती हूँ, रेगुलर तो नहीं जाती हूँ बट कभी कभी चली जाती हूँ, तो सरसों के तेल के जो दिए होते हैं वो जलाना मुझे अच्छा लगता है। और शादी के बाद से ही ये सब मैंने स्टार्ट किया है, पहले तो मैं पूजा पाठ नहीं करती थी और इतना मुझे मतलब एक्साइटमेंट भी नहीं रहता था पहले, क्योंकि मम्मी के यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है, वो सत्संग में जाते हैं, तो ससुराल में सारे पूजा पाठ होते थे, सासू माँ जो हैं वो मेरी करती थी, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख गई हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं अभी भी नहीं करती हूँ, बस शनिदेव के जो दिए वगैरह होते हैं वो जला देती हूँ, घर में हल्की फुल्की से ही पूजा कर देती हूँ धूपबत्ती और दिए जलाकर। तो दिए जलाने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे वापस लौट के, और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। तो गाइज आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वेट लॉस करना है वेट गेन करना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मेरा मॉर्निंग इवनिंग में फिट क्लब चलता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश